फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन। उसके लिए देखिए, हम सबसे पहले वो क्रम पर 2.5 इंच का निशान लगाएंगे और लेंथ 7 इंच की रखेंगे हम इसकी, और नीचे भी 2.5 इंच का निशान लगाएंगे और इन निशान को मिला लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से मिलाने के बाद एक गोल शेप देंगे हम। अगर आपको गले की कटिंग बिल्कुल भी नहीं आती है तो मैंने इसके लिए दूसरा वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने 3 तरह के गले की कटिंग बताई है। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाकर चेक करना एक बार से ज़रूर। देखिए फ्रेंड्स, और अब हमें 1 इंच का निशान बाहर की तरफ रखेंगे हम। स्केल को बिल्कुल सीधा करके रख लेंगे और बाहर की तरफ भी निशान लगाएंगे इस तरीके से। और ये देखिए, इस तरीके से रखकर नीचे की तरफ भी निशान लगा लेंगे और एक इसको गोल शेप देंगे। ये देखिए, इस तरीके से इस निशान को मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ जिससे कि आपको सही से दिखाई दे। और यहाँ पर भी हम इस निशान के पास 1 इंच का निशान और लगाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से बहुत बाहर की तरफ भी गोल शेप बनाएंगे हम। अगर आपको इस तरीके से निशान लगाने में दिक्कत हो रही है तो आप 1-1 इंच का निशान इस रख कर 1-1 इंच का निशान लगा ले, इससे आपको और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ये देखिए, और इन निशान को मिला ले। देखिए इस तरीके से, मैंने निशान डार्क कर दिया है जैसे कि आपको सही से दिखाई देगा ये। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे गले की। देखिए फ्रेंड्स, बाहर से हमने कटिंग कर ली है अपनी। अब हम इस तरफ से ये देखिए कटिंग कर लेंगे इसकी। तीनों पैटर्न की हमें कटिंग करनी है अपनी। ये देखिए, इस तरीके से ही हमारे, और अब हम ये हमारा दूसरा है तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे दोनों पैटर्न की कटिंग हो गई है। देखिए इस तरीके से रखेंगे इसको और ये हमारे गले की शेप कुछ इस तरीके से आएगी। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा सबसे बड़े वाला गला था नीचे वाला, तो उसको हम कपड़े पर इस तरीके से चिपका कर सिलाई लगा लेंगे और अब इसकी कटिंग कर देंगे। और हल्के हल्के कट लगाएंगे जिससे कि इसे फोल्ड करने में आसानी हो जाए। देखिए, और इस तरीके से रखकर इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे चारों तरफ। और अब हम ये जो ट्रायंगल लेस ली थी हमने, ट्रायंगल लेस लेकर इसको भी पूरे गले पर लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने पूरे गले पर सिलाई कर ली है ट्रायंगल लेस की। और हम इसको अपनी कुर्ती पर लगाएंगे। देखिए, हमारे सूट का ये बीच का सेंटर है। ये देखिए, और यहाँ पर निशान लगाएंगे हम जिससे हमें गला सिलने में आसानी हो जाए। और ये देखिए, गले के सेंटर पर भी हम निशान लगा लेंगे। पहले नाखून की मदद से इस तरीके से कर ले और इस तरीके से खोल कर देखेंगे तो निशान बन जाएगा, और फिर वहाँ पर चाक से निशान लगा दे और इसको भी इस तरीके से रखकर पहले बीच में सिलाई लगा लेंगे और फिर चारों तरफ से सिल देंगे। ये देखिए, हमने सिल लिया है और अब इसकी हम कटिंग करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हल्के हल्के कट लगाएंगे हम। ये हमारा गला बहुत ही फिनिशिंग के साथ
पलटा जाएगा। ये हमारी कुर्ती की उल्टी साइड है, अब हम इस गले को सीधी साइड पलट लेंगे। देखिए इस तरीके से पलटेंगे हम, और यहाँ पर बाहर की तरफ ये देखिए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है, और अब हम ये ट्रायंगल लेस पूरे गले पर इस तरीके से लगाएंगे। देखिए मैंने लगा ली है लेस, और अब हम जो हमारा दूसरा पैटर्न था उसको तैयार करेंगे। उसके लिए देखिए मैंने कपड़ा लिया है, और इसको इसके ऊपर रखेंगे और सील देंगे हम पूरे को इसको। ये देखिए सीलने के बाद बाहर से हम इतनी दूरी रखकर कटिंग कर लेंगे। ये तकरीबन हमारा 1 या 1.5 इंच का कपड़ा होगा बाहर का एक्स्ट्रा। देखिए, और अब हम इसको बीच का इसका जो सेंटर है वहाँ पर एक निशान लगाएंगे। ये देखिए हल्का सा निशान लगाएंगे इस तरह, और स्केल से पूरा सीधा निशान लगाएंगे। 3 निशान लगाएंगे हम इसके ऊपर इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरीके से, और मैंने ये रेबदार पट्टी ली है, इसको देखिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और इस पर एक सिलाई लगाएंगे, और इस तरीके से इसको पलट कर वापस से फिर एक सिलाई लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने लगा ली है, और अब हम इसको इस कपड़े पर रखेंगे। और ये जो हमारा गला है यहाँ पर, सिर्फ हमें यहीं पर सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, सिलाई लगाने के बाद मैं इस कपड़े को कट कर दूंगी अंदर वाले को। और कट लगाएंगे धीरे, हल्के हल्के, और इसको भी हम पलट लेंगे अंदर की साइड। देखिए इस तरीके से, और इस पर भी हम सिलाई लगाएंगे। ये जो हमारा यहाँ पर भी, और पूरे नेक पर जो हमारे जहाँ पर हमारी बुकरम है वहाँ तक। ये देखिए, और जो हमारा नीचे का कपड़ा था जो एक्स्ट्रा था उसकी भी हम कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पैटर्न का जो ये गला है हमारा, इसके ऊपर भी हम ट्रायंगल लेस लगा लेंगे। ये देखिए लगाने के बाद फ्रेंड्स, जो हमारा कुर्ती पर हमने गला बनाया था, ये देखिए इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से रखकर सिलाई लगा देंगे। चारों तरफ से हम इसको सेट करेंगे हम पहले, और फिर इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। यहीं पर सिलाई लगानी है हमें। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे गले का फाइनल लुक तैयार हो चुका है। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल के आइकन पर भी प्रेस कर देना, जिससे कि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके बताना जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।